हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ निका के की ओशियन आईज आईशैडो पैलेट की, और इसमें 9 पैन आते हैं और ये जो पैलेट है 8 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में आती है एंड द प्राइस इज 699 रुपीज़। तो ये आपको 50% ऑफ तक मिल जाती है। और ये जो पैलेट है दिखने में बेहद खूबसूरत, ट्रैवल फ्रेंडली, 9 पैन इसके अंदर हैं जिनमें आपको अलग अलग ब्लू के शेड्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ लगेगी जब आप इसको हैंड स्वैच करके देखोगे तो आपको शेड्स काफ़ी पिगमेंटेड नजर आएंगे, लेकिन अगर आप यही शेड्स आंखों पर अगर अप्लाई करोगे, लाइक यही शेड से आप आई मेकअप करोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है। और ये जो आई शेडो है ये मुझे पर्सनली लाइक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है, तो मैं इसे आपको पहले इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखा देती हूँ, फिर इसके विषय में आपको बता दूंगी। और उसमें मैंने थोड़ा आपको और चीज़ें भी बताई हैं, इस वजह से वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं निकाह के कि ये ओशियन आईज आई शेडो पैलेट, और इसके शेड्स मैं आपको दिन की रोशनी में दिखा रही हूँ। ये जितने ज़्यादा ब्राइट और डार्क दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उतना बढ़िया वर्क इन्होंने किया नहीं। और रही बात स्वैचेस की, हैंड स्वैचेस की, तो जब आप इनको देखोगे तो ये कलर्स आपको काफ़ी डार्क और पिगमेंटेड नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप ब्रश से इनको ब्लेंड करने की कोशिश करोगे या फिंगर से अप्लाई करोगे तो इसमें मैट जो शेड्स हैं, जो पाउडरी पाउडरी हैं बहुत ज़्यादा, उनका तो पिगमेंटेशन काफ़ी ठीक आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ थोड़े शिमरी शेड जो हैं वो बड़े ही स्टिकी टाइप के हैं, वो उतने पिगमेंटेड नहीं हैं, वो सिर्फ फिंगर पे और ब्रश पे तो निकल रहे हैं प्रोडक्ट जो आई शेडो के जो शेड्स हैं, लेकिन वो आईलिड पर उतना टिक भी नहीं रहे हैं और ना ही इनका पिगमेंटेशन उतना डीप आ पा रहा है। तो मैं पूरा पूरा ट्यूटोरियल आपको आगे दिखाने वाली हूँ और भी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ, मेकअप टिप जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एक कलर जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको पसंद आ रहा है और आप लेना ही चाहते हैं तो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार इन्हें परचेज कर सकते हैं। मैं लिंक इसका फिर भी मेंशन कर दूंगी। तो इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैंने अपने फेस का मेकअप कर लिया है, आईब्राउज को अच्छे से फिल कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा ब्राउन, डार्क ब्राउन, और अब मुझे आई शेडो लगाना है। तो मैं लगाने वाली हूँ निका के का ये ओशियन आईज पैलेट से कुछ शेड्स, ब्लू के शेड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं समर्स में। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लैवेंडर शेड भी है, और इसको मैंने सिर्फ इसी शेड की वजह से ही लिया था इस पैलेट को। तो वैसे तो फिंगर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, बट मैं क्योंकि इस पैलेट को ब्रश से यूज़ करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं बेस के लिए ये हल्का सा ग्रे पाउडर ब्लू शेड ले रही हूँ, एंड आप यहाँ देख सकते हो दैट्स इट, इतना ही सफिशियंट है। और डॉलू की तानियां शुरू हो गई हैं, तो आप देख सकते हैं इस वक्त अब तो ये मैं अप्लाई कर रही हूं एंड जस्ट एक सिंपल पाउडरी लुक देने के लिए आंखों पर। और मैं ले लेती हूं छोटा मिरर, बहुत ही हल्का सा नेचुरल सा ब्लू आई मेकअप मैं इससे करने वाली हूँ, और इस आई शैडो पैलेट को मैं आपको डे टाइम में भी दिखा दूंगी। एंड ये काफी ज्यादा लाइक पाउडरी है जो शेड मैंने लिया है, तो इसको अच्छे से डस्ट कर लें, नहीं तो फिर फेस पर फॉल आउट होगा और वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही नेचुरल फिनिशिंग के लिए। सी, एक टोन हल्का सा ब्लू हुआ है, और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लेने वाली हूँ ये वाला ब्लू पाउडर। ओके, तो पिगमेंटेशन बहुत कमाल का है। वाओ, सेम शेड मैं ले रही हूं वापस से। आउटर कॉर्नर्स पे, एजेस पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं, तो ये थोड़ा सा डार्क लुक हो गया है, और एक जो नेचुरल मेकअप लुक होता है मेरा उससे थोड़ा डिफरेंट ही मैं आज ये करने वाली हूँ। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ इसमें लेवेंडर शेड, बिकॉज ये मुझे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आप देख सकते हो लेवेंडर को हल्का सा क्रीज लाइन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ,
और हालांकि आईज का लुक काफी डार्क आ रहा है, बट आने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग सकता है। ये है कि आप अगर इसका सिंगल शेड अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा लुक आएगा ही आएगा। और जैसे कि आप इस वक्त फेस पर देख सकते हैं, तो मैंने ले लिया है पाउडर ब्रश तो अब इस पैलेट में जो शेड है उनको मैं फिंगर से अप्लाई करने वाली हूँ। एंड मैं यहाँ पर ले रही हूँ हल्का सा जो ये वाइटिश टोन में है ब्लू कलर, ये ब्राउ बोन के लिए, ये एक सिल्वर टोन है सी। अच्छी सी हाइलाइटिंग इससे आ जाती है। बहुत ही लाइट, लेकिन आईलिड पर मुझे अप्लाई करना है सिल्वर शेड जो कि ब्लू का ही एक टोन है इसके अंदर। वाह, नो डाउट ये ब्लू टोन है इसके अंदर। आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो आंखों का लुक कुछ ज्यादा ही ब्लू ब्लू हो गया है। और लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें यही लुक ही क्रिएट करना है थोड़ा सा ब्लू। तो लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी, मैं तो इसके सारे शेड्स जो है एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ, आप इसका कोई एक सिंगल शेड उठाइएगा। एंड ये जो शिमरी शेड है ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन के साथ नहीं है, लाइक आप फिंगर पे ले रहे हो तो हो रहा है, लेकिन अगर आप यही चीज़ अगर ब्लेंड कर रहे हो तो वो बहुत लाइट ब्लेंड हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो उतना अच्छा इसका लुक नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ मैं अब ब्रश से भी करके देखती हूँ। तो मैंने सिल्वर वाला शेड ले लिया है, अब मैं वापस से ये हाइलाइटिंग शेड अप्लाई करने वाली हूँ आईलिड पर। सी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी लेने पे, मतलब लाइक इस आई शेडो पैलेट का प्राइस इतना है, लेकिन आप सोचो कि इसको मतलब ये क्या तो लुक दे रही है आँखों का। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इसने इम्प्रेस पहले भी नहीं किया है और अभी भी नहीं। मैंने सिर्फ एक इसको पाउडरी लेवेंडर शेड के लिए लिया है, इससे बेटर तो मैंने कुछ और ले लिया होता। लेकिन जब तक नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा उनके बारे में। और ये आप देखिए, मैंने प्रॉपर अच्छे से खूब ज़्यादा मात्रा में लेकर के भी लगाया, बट मुझे इसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है दोस्तों, तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ। और आप देख ही सकते हो कि इससे आंखों का जो लुक है वो कैसा आ गया है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको यही करंटली बात करूँ, ये डार्क जो टील ब्लू कलर है, चलिए इसको भी हल्का सा अप्लाई करके देख लिया जाए, ये बहुत लाइट सा शिमरी शेड है, ये कैसा लगेगा। तो इससे भी सच बताऊं तो मतलब आंखों को बहुत ज़्यादा रब करने की क्या ज़रूरत है, लाइक ये जब अच्छे से शेड नहीं दे पा रहा है पैलेट। नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल वैसा पिगमेंटेड नहीं है जैसे मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे और भी आई शेडो पैलेट हैं। इनफैक्ट मिनी आई शेडो पैलेट भी हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छे आई शेडो पैलेट हैं, तो ये अपने रिस्क पे लीजिएगा आप। और इस वक्त आप देख सकते हैं आई मेकअप लुक, एंड
8 ग्राम आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी इसमें मिल रही है और 700 रुपए की ये पैलेट है। इससे बेटर आप 700 रुपीज का कोई सिंगल आई पिगमेंट ले सकते हैं, तो मुझे ये एज सच उतना अच्छा बिल्कुल नहीं लगा है, मैं रेकमेंड इसे नहीं करती हूँ। और साथ ही मैं ये हटाने वाली हूँ और कुछ अच्छा सा ब्राउनिश गोल्ड कलर अप्लाई करने वाली हूँ आईलिड पर। तो अगर मैं इसको हल्का सा रिमूव करूँ, बहुत लाइट सा, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं सिर्फ टिश्यू ले रही हूँ। मुझे इसका एक बेस शेड रिमूव करना है गोल्डन अप्लाई करने के लिए। एंड अब देख सकते हो आंखों का वैसे तो कलर ऑलरेडी डार्क हो गया है इसकी वजह से, बट ये रिमूव तो हो रहा है हल्का हल्का। अब देख लीजिए, टिश्यू पेपर मैंने इसलिए लिया बिकॉज़ ये बहुत ही जेंटल होता है, और मैं लिक्विड कुछ भी ऐसा रिमूव करने के लिए इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे यही मेकअप लुक ट्रांसफॉर्म करना है, और इसी को मैं कुछ बेटर करने की कोशिश करती हूँ बिकॉज़ अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं खाना नहीं खाया है, क्या हो गया है, मेरा फेस एकदम से डल लगने लगा। तो आप ये चीज़ का सबक ले लीजिए कि दोस्तों आई शेडो का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके फेस को फ्रेश दिखाने में। तो चलिए कुछ फ्रेश आई शेडो शेड जो है वो अप्लाई कर लिया जाए अच्छा सा। तो क्योंकि मुझे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नेचुरल सा शेड चाहिए, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। रेवलॉन की पैलेट मेरी करंट फेवरेट हो गई है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे शेड्स के साथ में आती है। इसका रिव्यू भी मैंने अपलोड किया है और इसका जो 4th नंबर है शेड, ये मैं अप्लाई करके देखती हूँ शायद कुछ बेटर हो जाए मेरे फेस की कंडीशन। और ये मैं आपके सामने इसलिए करूँगी ताकि आपको पता चल सके कि डल फेस इंस्टेंटली ब्राइटन फेस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप सिर्फ आई शेडो यूज करते हो तो। एंड एक सेकेंड, आप इंस्टेंटली चेंज देख सकते हैं, और ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन के साथ में आती है पैलेट, और इसके भी काफ़ी अच्छे वेरिएंट शेड्स के अवेलेबल हैं, मैं वो ट्राई करना चाहूँगी। और इसको भी मैंने आपको डिटेल में इसका रिव्यू दिया था, एंड क्योंकि मैंने आई शेडो का बेस ही इतना डार्क कर दिया था अभी ब्लू वाले आई शेडो पैलेट को जब अप्लाई किया था, उसके बाद भी इसने फेस को काफ़ी काफ़ी बेटर कंडीशन में पहुँचा दिया है, सो इट्स नाइस। इसके अलावा जो अच्छी आई शेडो पैलेट्स हैं, लाइक मेरे पास कलर बार में काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, और शुगर के आई शेडो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्राउ बोन एरिया को क्यों नहीं हाईलाइट कर रही हूँ, तो यस मैं करने वाली हूँ। इसका सबसे पहला बहुत ही खूबसूरत शैम्पेन रोज गोल्ड टाइप का शेड है, इससे है ना, तो एकदम से फेस आई शेडो से चेंज हो सकता है इफ अगर आप उसे करेक्टली यूज कर लेते हो। फाइन, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं किसी भी मेकअप के लिए। और इसके लिए मुझे, मतलब अच्छे आई शेडो के लिए तो आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान है। और उसके बाद मैं हल्का सा इसका डार्क ब्राउनिश ग्रेइश कलर ले रही हूँ और इससे मैं आईलिड पर अप्लाई करने वाली हूँ। ओके, तो इसको मैंने थोड़ा हल्का ब्राउनिश कलर में यूज कर रही हूँ बिकॉज मैंने ब्लैक पहना है। वाह, तो ये रियल में सामने से बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड सेम शेड जो है मैं अप्लाई करने वाली हूँ डार्क ब्राउन कलर लोअर लैश लाइन पर। आप देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है और अब मैं ब्रश की सहायता से इसे रिमूव कर दूंगी।
जिससे कि डार्क सर्कल लुक ना लगे। उसके लिए आप हमेशा ये चीज़ करें कि जैसे आई शेडो जब मैंने अप्लाई कर लिया तो थोड़ा यहाँ नेचुरल लगने लगता है ब्राउन कलर लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करने से। और एक्स्ट्रा फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी लग जाता है तो उससे भी फेस बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सा लगने लगता है। तो आप क्या करें, जब आप थोड़ा डार्क आई शेडो अप्लाई कर लें अंडर आई एरिया में लाइक लोअर लैश लाइन पे, तो आप अच्छे से कोई अपना फेवरेट वाला कॉम्पैक्ट ले लीजिए। एंड कॉम्पैक्ट लेकर के आप क्या करें, मैं क्या करने वाली हूँ, जस्ट प्रेस करने वाली हूँ। मैंने लिया है स्टूडियो फिक्स NC40, मेरा शेड है सिंपल, हल्का सा क्रीज लाइन के पास से दूर से, एंड इंस्टेंटली ब्राइटन फेस लगने लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे आप बहुत ही जल्दी परफेक्शन सीख सकते हैं। और 5 मिनट में तो मेकअप इम्पॉसिबल है। लाइक आप जब कहीं जा रहे हो तो जल्द जल्दी से मस्कारा अप्लाई किया, BBC सी क्रीम कुछ भी हाथ से लगा लिया, यूं ही बस अच्छे से ब्लेंड कर लिया, लिप बाम लगा लिया, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। अच्छा मेकअप अगर आपको चाहिए पिक्चर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको प्रॉपर उसका ट्यूटोरियल सीखना चाहिए। और प्रैक्टिस, आप सिर्फ देखोगे तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर अच्छे से आपको मेकअप करना आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो है काफ़ी फ्रेश लग रहा है, लेकिन अभी आपको मेरा फेस काफ़ी फ्लैट लग रहा होगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ब्राउ पेंसिल का जस्ट स्पूली ले रही हूँ एंड इससे थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर आप क्लीनिंग नहीं करते हो ब्राउज़ की तो ये काफ़ी ज़्यादा मैसी लगती हैं और प्रॉपर शेप में नहीं लगती हैं, तो फिर फेस का तो बिल्कुल ही कुछ अता पता नहीं लगता है शेप का, फीचर्स का। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है एंड आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आंखों का लुक जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो ठीक ठाक हो गया है। और अब मैं ब्रॉन्जर इस्तेमाल करने वाली हूँ फ्रॉम कलवार। आप ये देख रहे हैं, ये इसकी हाइलाइटिंग एंड ब्रॉन्जिंग वाली किट थी, बट ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। बट ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेशन के साथ में आता है, इसको ज़रा सा लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड फॉर्मूला है इसका। एंड कलवार के प्रोडक्ट्स की न्यू पैकेजिंग आ गई है, और किसी ने मुझसे कहा था, कल कमेंट किया था, अरे आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हम बोर हो जाते हैं। अब किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एकदम डिटेल में बताना है तो थोड़ा तो उसमें टाइम लगता है, आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो लेकिन वो नहीं हो पाता। ऑलवेज हाइड योर डबल चिन। ये मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है कि जब मैं अभी इसे ब्रश की सहायता से ब्लेंड करूँगी और यहाँ पर कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँगी तो ये रिमूव हो जाएगा, लाइक आप देख सकते हो, ठीक है। और अभी मैंने इसको इस तरीके से अच्छे से अप्लाई किया है, सेम प्रोसेस इस तरफ। कॉम्पैक्ट या फिर फाउंडेशन जब लग जाता है तो उसको हाइड करने के लिए ब्रॉन्जर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, या फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो उसको भी हाइड करने के लिए ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। एंड और अपनी आप नाक को शार्प करना ना भूलें। और अच्छा सा ब्रॉन्जर आपके पास आपकी मेकअप किट में होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही हल्का। लेकिन फौरन से आप क्या करें कि ब्लेंडिंग ब्रश उठाएं
तो मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है एंड अब मुझे ब्लश और हाइलाइटर अप्लाई करना है, और नोज़ ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शार्प हो गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बट आप क्या करें, आप हल्का सा यहाँ पर वापस से एक्स्ट्रा शार्पनेस दे सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही मतलब फोटोज में तो कमाल कमाल लगती है नाक। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ब्लश एंड हाइलाइटर। तो मैं ले रही हूँ शुगर की ब्लश, हाइलाइटर एंड आई शेडो वाली पैलेट, और मैं अप्लाई करने वाली हूँ इसका बहुत ही ब्यूटीफुल शेड ब्लश का। आप यहाँ देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, एक तरीके से ये पीची कोरलिश शेड है। और उसके लिए मैंने ये ब्लश ब्रश लिया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पाउडरी है, आप खुद ही देख लो, काफ़ी संभाल कर यूज़ करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद पाउडर ब्रश से हल्का सा रिमूव भी करना पड़ेगा बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको अप्लाई कर लिया, एक पाउडर ब्रश लिया। एक्सेस को रिमूव कर दिया, तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली ये रिमूव हो गया है। अब इसके बाद में हाइलाइटर लेना है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे वैसे ये वाला हाइलाइटर पसंद है बट के ब्यूटी का हाइलाइटर भी ज़्यादा अच्छा है, बट ये क्योंकि ब्रॉन्जी है थोड़ा सा तो अभी ये ही यूज़ करेंगे। फिंगर से बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है इसके अंदर, ओ माय गॉड। आप चाहें तो कोई अच्छा सा फैन ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। सी मस्कारा मैं हमेशा लास्ट में अप्लाई करने को बोलूँगी, और मैंने आपको कंप्लीट ये बाद वाला मेकअप लुक इसलिए करके दिखा दिया बिकॉज़ आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हो फिर कि आपने ये कैसे किया है। तो है ना, तो ये नोज़ पर आपको ज़्यादा लग रहा होगा बिकॉज़ मुझे भी ज़्यादा लग रहा है, तो मैं हल्का सा ब्रश ले रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए। ओके एंड बहुत ही ज़रा सा ब्रॉन्जर इसी का मैट है, इस वजह से वो इसे कवर कर लेगा। आप एक बार टचअप के लिए ज़रूर अप्लाई करें एंड जस्ट पाउडर ब्रश से हटा दीजिए। पता है छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, और मेकअप आपका बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब लॉन्ग लास्टिंग तो होता ही है, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलते हैं। सो ये हो गया है, बट आँखों का लुक जो है वो अभी भी डल लग रहा है, तो मैं इसमें से एक शेड ले रही हूँ, ये भी कुछ कुछ शैम्पेन जैसा ही शेड है। सी थोड़ा और ब्राइट लुक दे देगा ये आईज़ को, बिकॉज़ जब एक बार आंखों का मेकअप अगर गड़बड़ हो जाए तो सिर्फ गोल्डन कलर का आई शेडो ही उसे ठीक कर सकता है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। ओके तो नाउ मेरा फेस बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, और
अच्छे से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, लास्ट एक मैंने लिया है यहाँ पर पाउडर ब्रश, जस्ट एक बार डैप किया, ऐसे हल्का सा डस्ट कर दिया। फुल फेस पर बिल्कुल नेचुरल लुक लाने के लिए, और जितना आप मेकअप को फाइन फिनिशिंग देंगे, ब्लश ब्रश लास्ट में एक बार ज़रूर से अप्लाई करें फिनिशिंग के लिए। आप देखेंगे कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। एंड यस, हो तो गया है भाई। हल्का सा जो फॉल आउट हुआ उस आई शेडो का, वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो यस दोस्तों, ये हो गया है, और अब मैं मस्कारा कोई अच्छा सा अप्लाई कर लूँगी एंड कोई अच्छी सी लिपस्टिक। तो इस पर मैं आपको एक हल्की सी न्यूड पीची लिपस्टिक लगा करके दिखा देती हूँ। ये कलबार की है, शेड है इनफैचुएशन 026। ये ना SPF 15 के साथ में आती है। ओके और अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्कारा एंड और सारी चीज़ें। दोस्तों मुझे नेचुरल मेकअप पसंद है, इस तरीके के आई शेडो के शेड्स पसंद है जिनको कि आप देख रहे हैं बहुत ही नेचुरल, जिनसे लुक मिलता है। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा भड़कीले आई शेडो पसंद नहीं है, लेकिन यदि आप ट्राई भी करना चाहो तो ये बहुत ज़्यादा, लाइक मैं ये कहूँ कि नहीं आप ये ले लो, इतने रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं आपको वेस्ट करने को नहीं बोलूँगी। अगर आप कोई अच्छा आई शेडो परचेज करना चाहते हैं तो अच्छे आई शेडो के आ जाइए। और ये जो आई शेडो पैलेट है, जितनी खूबसूरत दिखने में उतनी इंप्रेसिव मुझे नहीं लगी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और लेकिन अगर आप बार 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 प्रोडक्ट को लेके एक जगह पे अगर रब करोगे या बहुत हार्डली अप्लाई करोगे तो फिर एक कहीं ना कहीं इसका कलर आएगा ही आएगा, और फिर ऊपर से ये ब्लू है, तो ये मुझे ओके ओके लगी है। और मैं इसे आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैंने ली है तो आगे फ्यूचर में इससे कुछ एक दो मेकअप लुक और करने की कोशिश करूंगी। वैसे ब्लू बहुत ज़्यादा हॉरिबल लगने लगता है समटाइम्स, और ब्लू आई मेकअप करने के लिए भी थोड़ा सा मुझे अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मेकअप लुक बहुत ही फ्लॉलेस और सिंपल डिसेंट पसंद है दोस्तों, बहुत भड़काऊ नहीं पसंद है जैसा मैंने बताया। और भी आई शेडो के रिव्यू देखने हैं तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड जो मैंने आपको इसका डेमो दे करके बताया है, ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन के साथ में आती है एंड काफ़ी अच्छी है। और जस्ट इस ये मुझे हाफ प्राइस में मिल गई थी 50% ऑफ पे, तो मुझे ये अच्छी लगी एंड ये मैंने आपको रेकमेंड भी की है। इसके अलावा और भी अच्छी आई शेडो पैलेट हैं जो मैंने आपको रेकमेंड की हैं, तो चेक कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय दोस्तों।